बसमिल क्या हाल है आप सबके और आज का टाइटल से आपको पता चल ही गया है कि जबरदस्ती रेसिपीज़ घर में बनने लगी हैं क्योंकि होम मेड इज़ द बेस्ट हम बना रहे हैं सैमन फ़िश यहाँ पे डीफ्रॉस्ट हो रही है क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न है यहाँ पे तीन आलू हैं जो छिलके समेत मैंने उनके छोटे पीसेस कर दिए हैं और वो उबल रहे हैं और यहाँ पर पास्ता बॉयल होने लगा है ठीक है जी तो पास्ता हम उस वक्त तक बॉईल करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाएगा बस उसके बाद ड्रेन कर लेंगे पास्ता उबालना तो मेरा ख़्याल है हम सबको आता है उसके अलावा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बड़े मज़ेदार और ज़बरदस्त से हैं क्योंकि इसमें बहुत कम चीज़ें जाएँगी तीन गार्लिक के क्लोव्स हैं उन्हें आपने क्रश कर लेना है थोड़ा सा बटर है बटर के अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दें ये मैंने डाला है अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ बटर भी रख सकते हैं बटर को मैंने मेल्ट किया है दस सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में बस इससे ज़्यादा नहीं उसमें ऑलिव ऑयल डालें उसमें मस्टर्ड पेस्ट डालें मस्टर्ड पेस्ट भी ऑप्शनल है उसके अलावा इसमें ड्राई हर्ब्स आप जो मर्जी डालना चाहें मैंने डाली ऑर्गेनो और उसके अलावा साथ में जा रहा है लेमन जूस लेमन जूस बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम तीन से चार टेबल स्पून भर के इसमें लेमन जूस डालना है और जो गार्लिक आपने क्रश किया था वो डाल दें पार्सली है तो पार्सली डाल दें धनिया है तो धनिया डाल दीजिए काली मिर्च डालें और थोड़ा सा सॉल्ट ये जो फिश है ये मोस्टली रेस्टोरेंट स्टाइल फिश होती है और इसमें हमारे हिसाब के देसी मसाले और रंग बिरंगे मसाले नहीं डलते हैं तो ये बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर की होगी यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न बंद गोभी है आप चाहें तो थोड़ा सा उबाल लें और उबले हुए आलू हैं इनको मैं सीज़न कर रही हूँ नमक काली मिर्च चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ऑर्गेनो और ऑलिव ऑयल बस ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब सवाल ये है कि सब्ज़ियाँ बॉइल्ड क्यों हैं सब्ज़ियाँ बॉइल्ड इसलिए हैं क्योंकि मैंने ये फिश के साथ बेक करनी है और फ़िश का बेकिंग टाइम जो है ना वो बारह तेरह मिनट से ज़्यादा का होता नहीं तो बारह तेरह मिनट में आलू बेक होना बहुत मुश्किल है तो बेहतर है कि आप इसको बॉईल कर लीजिए कोई सी भी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको खाने में अच्छी लगती है शिमला मिर्च डाल लीजिए और गाजर डाल लीजिए मगर गाजर को बॉईल करना पड़ेगा फिश को आप अच्छी तरह से ड्राई कर लें इस फ़िश के फिले के साथ जो है वो स्किन लगी हुई है जो अच्छी तरह से डीफ्रॉस्ट हो गई तो मैंने पेपर टावल से इनको ड्राई कर लिया है ये अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप फ्रेश फिश ले रहे हैं तो उसको भी ज़रूर ड्राई कर लीजिए जितना कम मॉइस्चर हो उतना अच्छा है तो अब आप देख लीजिए कि मैंने वेजिटेबल्स के बीच में इसकी जगह सी बना ली है और इसमें मैंने आपके सामने जो है वो चार फिले रख दिए। हैं अब इन चार फ़िले के ऊपर जो हमने ज़बरदस्त किस्म का ग्लेज बनाया था वो हम लगाएंगे अच्छा ये जो है ये आप किसी भी फिश के साथ कर सकते हैं लेकिन सैमन ओमेगा थ्री होता है उसमें फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं बहुत बहुत हेल्दी फिश है अगर आपको मिलती है फ़्रेश तो, तो बहुत अच्छी बात है थोड़ी सी प्राइस ही होती है हम फ्रोज़न फिले भी इस्तेमाल कर लेते हैं इसका जो फ़्रेश मिलने का सीज़न है वो यही दो से तीन महीने होते हैं आई थिंक जून से सेप्टेम्बर के दरमियान उसके बाद ये फ्रोज़न मिलती है तो हमारे पास ये हमेशा फ्रोज़न होती है और ये ग्लेस लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पेपरिका स्प्रिंकल कर लिया है क्योंकि मुझे तो देसी टच चाहिए आपको पता है ना ये फ़िश जब बेक करके निकलती है तो ये पिंक और येलोइश सी होती है तो जो लोग पाकिस्तानी स्टाइल की फ़िश खाने के शौकीन है ना उनको आप को तो पता है वो लगता है कि कच्ची कच्ची है तो मैंने थोड़ा सा पेपरिका डाल दिया ताकि थोड़ी दिल की तसली हो जाए और जी बचा हुआ जो ग्लेस था उसमें उबले हुए नूडल्स को अच्छी तरह से सोटे कर लिया है ऊपर से धनिया डाल दिया है और ज़बरदस्त किस्म के गार्लिक फ्लेवर बटरी नूडल्स तैयार हैं है ना आसान तरकीब कुछ भी नहीं करना है बस ऊपर से थोड़ा सा नमक काली मिर्च डाल दीजिए मैंने बटर डाल दिया है सॉल्टेड बटर है तो और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा और जी टोटल 12 से 13 मिनट में फ़िश बेक होकर बाहर आ गई है और अगर इसके ऊपर जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है उसको देख के आपको कोई परेशानी हो रही है तो बिल्कुल परेशान ना हो ये इसका प्रोटीन है और ये बिल्कुल सेफ होता है खाने के लिए लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप इसको वाइप कर सकते हैं लेकिन हम तो ऐसे ही खाते हैं और ये बहुत मज़ेदार होता है तो जी इसमें से किसी चीज़ को डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है यमी सिजलिंग साउंड आपको भी सुनाई दे रही होगी वेजिटेबल भी देख लीजिए कितने मज़ेदार तरीके से बेक हो गए हैं और आप चाहें तो वेजिटेबल को अलग भी बेक कर सकते हैं अगर आप इन्हें ज़्यादा क्रंची बनाना चाहते हैं तो बटर मेल्ट हो गया है आपके सामने ज़बरदस्त किस्म के नूडल्स तैयार है लेमन के वेजेस रखिए थोड़ा सा पार्सले या धनिया ऊपर से डाल दीजिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त डिनर तैयार है और आप देखें डिनर तैयार करने में कितना टाइम लगा अंडर थर्टी मिनट्स आप ये डिनर तैयार कर सकते हैं फ़िश की तो ख़ूबसूरती यही है कि इसको पकाने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता वैसे तो मैं हमेशा वही बेसन लगा और बहुत सारे मसाले लगा के फ़िश को फ़्राई करती हूँ लेकिन सामिन जब भी बनती है वो हमेशा ऐसे ही बनती है क्योंकि ये इसका फ़्लेवर बहुत इनहेंस करता है और आप देखें कि इसकी कैसे चिकन जैसी बोटी होती है ना बिल्कुल सॉलिड इसके रेशे होते हैं तो बहुत हेल्दी और ज़बरदस्त किस्म की डिश है आपने ज़रूर ट्राई करनी है और जी अब चलते हैं हम अपनी दूसरी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ़ जिसको देख के बच्चे बहुत खुश होंगे मेरी बेटी इतने दिनों से मेरे पीछे लगी हुई थी कि अम्मा हमने पैन में कुकी बनानी है पैन में कुकी बनानी है मैंने कहा फाइनली बना ही लेते हैं और ये नेक्स्ट डे है एक दिन पहले हमने फ़िश बनाई थी और नेक्स्ट डे हमने कुकी बनाई थी मैंने सोचा दोनों रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ इसमें ऑल पर्पज़ फ्लार है ब्राउन शुगर है आप चाहें तो ब्राउन और वाइट मिक्स कर सकते हैं अंडा है वनीला एसेंस है चॉकलेट चिप्स मक्खन और नमक मक्खन जो है वो अनसॉल्ट अगर आप ले रहे हैं तो आपने एक टीस्पून नमक डालना है और अगर सॉल्टेड ले रहे हैं तो वो आपकी शुगर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो शायद आपको शुगर थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़े ठीक है तो इसलिए बेहतर है कि आप अनसॉल्ट बटर लीजिए शुगर को उसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर दीजिए जब वो डिज़ोल्व हो जाए तो उसके अंदर वनीला एसेंस डाल दें ये पूरा काम आपने लो हीट पर करना है याद रखें लो हीट पे आपने इसको डिसॉल्व करना है बिल्कुल टैम्प मत हो हाई करने के लिए और इसको आप ठंडा होने रख दें बाय द टाइम वो ठंडा हो रहा है तो आप मैदे के अंदर जो है वो बेकिंग सोडा और नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें मैंने शुरू में ही कर लिया था आप जब तक ये ठंडा हो रहा है उस स्टेज पर भी कर सकते हैं तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि बेकिंग सोडा जो है वो हर तरफ चला जाए बटर और शुगर जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब आपने इसके अंदर मैदा डालना है और मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आप देख लीजिए ये बहुत आसान है स्पैचुला की मदद से आप करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा तो इस वक्त जो है वो बटर और शुगर जो है वो हमारा बिल्कुल रूम टम्परेचर पर आया मैंने उस वक्त इसके अंदर मैदा डाल दिया मैदा मिक्स करते ही इसके अंदर अंडा डाल दिया अंडा डाल के ज़रा हाथ आप तेज़ तेज चलाएँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर इसको आप जो है वो पैट करके अच्छी तरह से प्रेस कर करके एक कुकी की फॉर्म बना लीजिए अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया हुआ है याद रखें चूल्हा बंद है इस टाइम पे। पैन आपने हैवी बॉटम लेना है जितना भारी पैन होगा उतना ही अच्छा है लेकिन अगर किसी के पास भारी पैन नहीं है तो उसका भी मेरे पास एक मज़ेदार किस्म का हल है और जी ये काम आप करने के लिए दे दीजिए बच्चों को बच्चे इसको ज़बरदस्त किस्म का डेकोरेट करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखना है और उसके ऊपर इस तरह का एक स्टैंड रख दें ताकि आपका पैन जो है वो डायरेक्ट हीट पे ना जाए ठीक है और इसको अब आप कवर कर दीजिए इसको पूरे ट्वेंटी मिनट्स तक जो है वो आपने ऐसे ही रखना है ट्वेंटी मिनट्स लगेंगे इसको पकने में अपने फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो ही रखिए और जो इतने बर्तन गंदे हैं इतने टाइम पे मैंने वो धो लिए और 20 मिनट्स बाद जब इसको खोला तो देख लीजिए क्या ज़बरदस्त किस्म की कुकी तैयार है चॉकलेट चिप्स मेल्ट हो गए हैं कॉर्नर पे से आप देख लीजिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कुकी की साइड्स ब्राउन हो गई हैं ये कुकी मिडिल में से ज़बरदस्त किस्म की क्रंची ब्राउन होगी नीचे से और ऊपर से जब आप इसका सेंटर काटेंगे तो ये गुई सॉफ़्ट मॉइस्ट होगा इतनी कोई ज़बरदस्त कुकी है मैं आपको क्या बताऊँ जब ये वॉम हो आप इसे आइसक्रीम के साथ सर्व करें इतना मज़ा आएगा कि मैं आपको क्या बताऊं मैंने ये कुकी बनाई थी कि नेक्स्ट डे पिकनिक पे अपने साथ लेकर जाऊँगी मगर बेचारी को अगली सुबह देखनी नसीब ही नहीं हुई फ़ौर ख़त्म हो गई तो जी ज़रूर आपने ये बनानी है और इस बात से याद आया कि अगला व्लाग देखना मत भूलें ज़बरदस्त पिकनिक व्लाग है खुश रहें दूसरों को खुश रखें अल्लाह ताली आपको आसानियाँ दें फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लाग में अल्लाह अल्लाहफ